बाबा ने कहा मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। फरहान कुरैशी बीटेक इंजीनियर। एंड माय फेट इज सील्ड। मैं क्या बनना चाहता था साला किसी ने पूछा तक नहीं। हमारे एजुकेशन सिस्टम को क्या चाहिए? अच्छे स्टूडेंट्स जो इस देश का भविष्य बनाए? ना ना ना, इन्हें चाहिए ज़ॉम्बीज जो क्या करते सिर्फ लिखते रहते हैं असाइनमेंट जर्नल प्रोजेक्ट शीट ये सब। 4 साल का था मैं जब मेरे पापा जबलपुर में किसी हलवाई के यहाँ काम करते थे। खुद तो कभी स्कूल गए नहीं इसलिए अपनी गांड घिस घिस के मुझको स्कूल में भर्ती करवाया। बस थ्योरेटिकल रद्दी लेके एक टीचर से दूसरे टीचर के बीच भागते रहते हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज नल्ला। और सबसे हरामी होते ये कॉलेज के ट्रेनिंग और प्लेसमेंट सेल वाले। मेरे को 4 साल से बोल रहे भाई तेरे को जॉब आएगी तेरे को कंपनी आएगी कंपनी आएगी। कहाँ है तुम्हारी कंपनी? किसी तरह रट्टा मार मार के 10th तक पहुंचे तो पता चला कि जिंदगी में सफल होने के लिए एक ही तरीका है और वो है इंजीनियरिंग। काटे 4 साल तुम इधर रोड कंस्ट्रक्शन की पढ़ाई कर रहे हो और इधर सवाल करेंगे डेटा कोडिंग का। फिर इनसे जॉब मांगो तो बोलते वी कैन नॉट गिव यू दिस जॉब बिकॉज़ यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस। अरे जॉब के लिए एक्सपीरियंस तो तब होगा ना जब एक्सपीरियंस के लिए जॉब होगा। इस जॉब एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस जॉब इसके लूप में हम स्टूडेंट पहले जाते हैं। अभी मैं इतना पहला गया हूं मैं सोच रहा हूं हिमालय चले जाऊं इंजीनियरिंग छोड़ दूं संन्यास ले लूं टिकटॉक डाउनलोड करूं मुद्रा करके 4 वीडियो बनाऊं कम से कम वायरल होगा पैसे तो कमाऊंगा मैं। के बाद 2 साल लग गए इस कॉलेज में घुसने के लिए कोचिंग में निकाल दिए ना कुछ खेले ना कुछ सीखे। और 2 साल बाद जब यहाँ पहुंचे तो पता चला कि बड़े शहरों के कॉन्वेंट स्कूल के पढ़े बच्चे जब अंग्रेजी में बात करते हैं तो मरे हुए फूल भी खिल उठते हैं। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है इनकी अंग्रेजी से। और पूरे कॉलेज की लड़कियां इन इंग्लिश स्पीकिंग लड़कों को अपना जीवन साथी .com मान चुकी है। इन जैसे हरामखोरों की वजह से हम जैसे बच्चे जो अच्छे से पढ़ते हैं जिन्हें जिंदगी में कुछ बनना है जिन्हें रिकॉग्निशन चाहिए उन्हें क्या मिलता है? टीचर का नेग्लिजेंस और कुछ नहीं। तुझे क्या लगता है मुझे कभी लगा नहीं कि मैं अपनी अंग्रेजी पे काम करूं अपनी पर्सनालिटी पे काम करूं? बहुत लगा। ये चूतिया इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एजुकेशन सिस्टम बिठा के रखे हो जिसमें हर साल में 10 सब्जेक्ट हर सब्जेक्ट में थियरी प्रैक्टिकल वाइवा लैब वर्क एक्सटर्नल इंटरनल मेजर्स माइनर्स असाइनमेंट प्रोजेक्ट थीसिस गांड मार के रख लिया हमारी। महीनों तक नहाना भूल जाते हम लोग और फिर हमारा परसेप्शन बना देते हो कि हम ऐसे ही रहना चाहते हैं। और भाई टीचरों की तो बात मत निकाल। ये कॉलेज में ऐसे कुछ जल्लाद प्रोफेसर हैं इनसे अगर मैं कुछ भी बोलूं ऐसे अपने ईगो पे ले लेते हैं कि पूछ मत। उस दिन मैं एक टीचर के पास गया मैंने बोला सर मैं आज असाइनमेंट नहीं सबमिट कर पाऊंगा क्योंकि मेरा सर दूसरे सब्जेक्ट पे ध्यान था। ऐसे आंखें बड़ी करके देख रहा था जैसे उसकी छाती में हाथ डाल के मैंने उसके छाती के बाल खींच लिए। अरे सर तुम तो भाई एक सब्जेक्ट पढ़ाते हो हम बच्चे तो 6-6 सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना उसका क्या। और गलती से भी इस कॉलेज में अगर एक अच्छा प्रोफेसर आ जाता है जो हम बच्चों को समझता है हमारे डाउट सॉल्व करता है हमें अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करता है उसे भी ये फैकल्टी वाले अपने पॉलिटिक्स के चक्कर में निकाल देते हैं। बेसिकली इन कॉलेज वालों को हम बच्चों की खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती। ना हम बच्चे खुश कैसे होंगे? हमको टेक्निकल फेस्ट पसंद है फेस्ट कैंसिल कर देते पबजी पसंद है पबजी बैन कर देते। इनको कोई अगर बच्चा खुश दिख जाता है ना इनको विश्वास ही नहीं होता अरे कॉलेज है ये खुश कैसे इधर उधर उधर। अरे रवि तू खुश है एक काम करता हूं तेरे को 8 असाइनमेंट देता हूं ये ले 8 असाइनमेंट। साले 4 साल से इतने असाइनमेंट और जर्नल लिखे मेरे घर पे इतने असाइनमेंट जर्नल पड़े अगर रद्दी वाले को बेचने निकलूंगा ना इतना पैसा कमाऊंगा अंबानी शर्मा जाए। ये जो कॉलेज के सामने जो बाहर जेरोक्स वाला ना हर सैटरडे संडे ये बंद क्यों रहता है? अबे हमारे इंजीनियरिंग के जेरोक्स पर करके इतने पैसे कमाए इनकम टैक्स की रेट पड़ती है इसके अंदर। सोच इंजीनियरिंग कितना बड़ा धंधा हो गया।